Welcome to Android number one YouTube channel. सब्सक्राइब करें इस चैनल, लाइक करें हमारे वीडियोस को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहें आपके पसंदीदा चैनल एंड्रॉइड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाली है। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि हम किस प्रकार से अपना ट्रेन रनिंग स्टेटस, ट्रेन पीएनआर स्टेटस, सीट एबिलिटी, ये सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसा चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत से वेबसाइट्स मिल जाएंगे, मगर वेबसाइट्स में अगर आप चेक करते हो तो बहुत सारे वेबसाइट आपको उतने एक्सेसिबल नहीं मिलेगी। मगर मैं आज आप लोगों को एक एप्लीकेशन के विषय में बताऊंगा जिसके मदद से आप ट्रेन पीएनआर स्टेटस, ट्रेन रनिंग स्टेटस और भी बहुत कुछ, कौन सा ट्रेन अभी कहाँ पर है, कब कहाँ आएगी, कितने लेट है, सारा कुछ दोस्तों इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं, जो टॉपिक है उसे मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप चेक करना चाहते हो ट्रेन संबंधित हर एक इन्फॉर्मेशन तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों अगर आप इस प्रकार के एप्लीकेशन खोजते हो तो बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, मगर मैं जो एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ वो ऑफलाइन भी वर्क करती है और ऑनलाइन भी वर्क करती है दोस्तों। तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। यहाँ दोस्तों एप्लीकेशन का नाम है वेयर इज माई ट्रेन। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जितने भी ब्लाइंड पर्सन आज के हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं विशेषकर बताना चाहता हूँ कि आज तक आपने हमारे सभी ट्यूटोरियल्स स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर इंग्लिश में सुन रहा होगा दोस्तों, और उस समय मैं स्क्रीन रीडर का ये सॉफ्टवेयर जो है उसका यूज इंग्लिश में कर रहा था। आज आप जो हमारे ट्यूटोरियल सुनेंगे इसमें मैं स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के रूप में हिंदी का यूज कर रहा हूँ दोस्तों, हिंदी TTS का यूज कर रहा हूँ दोस्तों। मैं और दिन लिक्विड्स का यूज करता था, आज मैं हिंदी में गूगल TTS का यूज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आज मैं वोकलाइजर वॉइस का यूज कर रहा हूँ, इसलिए आप सबों को इनकी वॉइस थोड़ी डिफरेंट सुनाई दे सकती है। और जितने भी नॉर्मल पर्सन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसे हमारी स्क्रीन पर हिंदी में देख पाएंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और ओपन होते ही इस तरह का पेज हमारे सामने खुल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट कॉर्नर में एक बटन है और राइट कॉर्नर में एक बटन है। लेफ्ट में जो है वो नेविगेशन ड्रॉअर का बटन है, मेन्यू का बटन हम इसे कह सकते हैं, जो कि बहुत सारे ऐप्स में आपको मिल जाती है। और राइट कॉर्नर में ये मोर ऑप्शन का बटन है। दोस्तों इस ऐप्स में बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे आपको, मगर मैं ज़्यादा डिटेल में आपको सारा फीचर्स तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं एक एक करके बताऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबा करना पड़ जाएगा और आप इसे इंस्टॉल करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो अभी इसे इंस्टॉल कर लो और ओपन करो, इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। लेफ्ट कॉर्नर में हमें एक बटन मिलता है ओपन, ये एक मेन्यू बटन है। इसमें अगर आप डबल टैप करके इसे अगर ओपन करते हो तो इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। दोस्तों ये सब कुछ काम का नहीं है, लैंग्वेज सेटिंग ये सब है, इस ऐप की सेटिंग सबको मिल जाएगी, मगर इस ऐप की कुछ सेटिंग आपको नहीं करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से ही सही से रहता है। और इस यहाँ से आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं
और रेटिंग दे सकते हैं, तो ये कुछ खास नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। अगला हमें एक बटन मिलता है राइट कॉर्नर में और विकल्प, ये मोर ऑप्शन का बटन है। यहाँ से हम क्लियर सर्च हिस्ट्री कर सकते हैं, जितने भी सर्च हिस्ट्री है सारे क्लियर कर सकते हैं, और भी सेटिंग्स की ऑप्शन हमें मिल जाएगी, तो यहाँ भी कुछ काम की नहीं है। तो मेन जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है, रेल स्थिति, जो ओपन के नीचे आपको एक बटन मिलेगा रेल स्थिति, फिर आपको दूसरे नंबर पे एक बटन मिलेगा PNR, तीसरे नंबर पे आपको एक बटन मिलेगा टिकट। बस दोस्तों इस ऐप्स में मेन तीन ही बटन है, इन तीन ही से आप अपना सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो जो रेल स्थिति है इससे हम ट्रेन के सभी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, जैसे कि ट्रेन अभी कहाँ पर है, कौन सा ट्रेन कितने बजे यहाँ पहुँचेगी, अगर हमें कहीं जाना है तो उसके लिए भी कौन कौन सी ट्रेन है, ये सारा चीज़ हम जान सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट रेल स्थिति आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि अभी सिलेक्ट है। रेल स्थिति से नीचे आपको एक एडिट बॉक्स, दो एडिट बॉक्स मिलेगी, जिसमें कि आपको सबसे पहला जो एडिट बॉक्स है वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा स्टेशन से, तो दोस्तों जिस स्टेशन से आप जाना चाहते हो उसे यहाँ लिखना है, और दूसरा एडिट बॉक्स उसके जस्ट नीचे मिल जाएगी, वहाँ है स्टेशन तक, दोस्तों जिस स्टेशन तक आपको जाना है वो लिखना है। तो मैं पूरे डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, इसे मैं एक बार बता दे रहा हूँ ताकि आप सुनकर ही इसे समझ जाओगे। तो स्टेशन से जो है इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने नई दिल्ली लिखा हुआ है, देखिए नई दिल्ली, और स्टेशन तक उसमें हमने टाटा नगर जंक्शन लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको जहाँ से जाना है उसे ऊपर के एडिट बॉक्स में लिखना है, और जहाँ तक जाना है उसे नीचे के एडिट बॉक्स में लिखना है। तो दोस्तों अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ट्रेन ढूंढना है कि यहाँ जाने के लिए कौन कौन सा ट्रेन है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो और सर्च कर सकते हो, तो जितने भी ट्रेन है वहाँ से जाने के लिए सारे लिस्ट आपको मिल जाएगी, कितने बजे है, कितने घंटे लेट है, सारा कुछ आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो मैं पूरे डिटेल में नहीं बता रहा था, तो मैं पहले से ही लिखा हुआ हूँ, अगर मैं अभी लिखता तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता दोस्तों। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने लिखा है नई दिल्ली से टाटा नगर जंक्शन, तो आपको अगर चेंज करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हो। ये नई दिल्ली है दोस्तों, अगर आपको नई दिल्ली से नहीं जाना है, अगर आपको मुंबई से जाना है, या फिर आपको रांची से जाना है, या फिर आपको कहीं और से जाना है, तो इस पर डबल टैप करके आप इसे डिलीट करके नया अपना जहाँ से जाना है वो लिख सकते हो। और जहाँ तक जाना है दोस्तों यहाँ पर भी आप डबल टैप करके अपना चेंज कर सकते हैं जहाँ तक आपको जाना है। तो उम्मीद है आपको इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा। तो जैसा कि हमने लिखा है नई दिल्ली से टाटा, तो देखता हूँ इसके लिए कौन कौन सा ट्रेन है। आपको दो एडिट बॉक्स जो मिला स्टेशन से और स्टेशन तक, ये दो एडिट बॉक्स, उससे नीचे एक बटन मिला गाड़ी खोजे, तो दोस्तों इस पर आप डबल टैप करते हो तो जितने भी ट्रेन है जाने के लिए सारा लिस्ट आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से हमने जैसे ही इसे क्लिक किया इस प्रकार से हमारे सामने पेज ओपन हो चुका है, और यहाँ पर जितने भी ट्रेन है सारी लिस्ट यहाँ मिल चुकी है। देखिए दोस्तों कितने बजे नई दिल्ली से है, कितने बजे टाटा पहुंच जाएगी, ये सारा कुछ बता रहा है, कब कब चलता है, रोज़ चलता है, सारा कुछ यहाँ पर आपको बता दे रहा है। ये सब जितने भी ट्रेन है दोस्तों सारे लिस्ट यहाँ पर मिल गया आपको। देखिए तो देखिए दोस्तों ये कब कब चलता है सारा बता रहा है, तो इसे आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला फीचर जो हमारा है उसे मैं बताता हूँ। तो आपको अगर कहीं जाना है तो उसके लिए आप इस प्रकार से यहाँ से किसी ट्रेन को खोज सकते हैं। तो अगर आपको किसी ट्रेन को लाइव लोकेशन देखना है, वो ट्रेन अभी कहाँ पर है, कितने देर में कहाँ पहुँची थी, कहाँ
अभी कितने देर में यहाँ पहुँचेगी, ये सारा चीज़ अगर देखना आपको, तो गाड़ी खोजे से नीचे आपको एक एडिट बॉक्स मिल जाता है दोस्तों। स्टेशन कोड, स्टेशन का नाम, इस प्रकार से आपको एक एडिट बॉक्स मिलता है। यहाँ पर आपको स्टेशन लिख, अगर आप लिखते हो किसी भी स्टेशन को लिखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेशन में अभी कौन सी ट्रेन आने वाली है और कौन कौन सी ट्रेन कितने लेट में आएगी। तो दोस्तों ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं अभी दिल्ली का दिखा देता हूँ, नई दिल्ली स्टेशन में। दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर NDLS लिखा तो ऊपर में ये नई दिल्ली आ चुका है। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सारी लिस्ट मिल जाएगी मुझे कि नई दिल्ली में अभी कौन कौन सी ट्रेन आने वाली है, कौन कौन सी ट्रेन कितने लेट में आएगी। देखिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, मैं इसे आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको इसे सुनकर ही और देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। देखिए दोस्तों कितने लेट से है, अभी कहाँ पहुँची है और नई दिल्ली पहुँचने के लिए कितनी देर है, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी भी स्टेशन के बारे में जानना चाहते हैं, इस स्टेशन में अभी कौन सी ट्रेन आने वाली है, कितने देर में आएगी, अभी कहाँ पहुँची है, कितने देर लेट है, ये सारा कुछ आप यहाँ से जान सकते हैं। दोस्तों ये नई दिल्ली आपका लिखा हुआ रहेगा जब तक कि आप इसे डिलीट नहीं करोगे। तो अगर आप कुछ और स्टेशन के बारे में जानना चाहते हो तो इस पर डबल टैप करके सारा कुछ आप डिलीट कर देना, फिर आप नए स्टेशन का नाम लिख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको किसी ट्रेन के विषय में जानना है, वो ट्रेन अभी कहाँ पर है, ये अगर आपको जानना है तो आपको ये इसके ऊपर एक एडिट बुक, जैसा कि हमने यहाँ पर झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको जिस भी ट्रेन के विषय में जानना है वो अभी कहाँ पर है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैं इसे डिलीट करता हूँ और गाड़ी नंबर लिखता हूँ, तो दोस्तों ये डिलीट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर मैंने 12801 लिखा है और देखता हूँ ये कौन सी ट्रेन है। पूरी नई दिल्ली सुपर फास्ट पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है दोस्तों ये, इसे मैं देखता हूँ अभी कहाँ पर है। इस प्रकार से हमारे सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो चुका है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर पता चला कि अभी कहाँ पर है, कितने देर है, कितने देर लेट से चल रही है और अभी ट्रेन कहाँ पर है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूरे डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये हिंदी रीड कर रहा है टॉकबैक दोस्तों, इससे सुनकर भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर जानना चाहते हैं किस स्टेशन में कितने देर लेट हुए और कौन कौन सा स्टेशन और आने वाला है तो आपको इसकी भी लिस्ट मिल जाएगी।
देखिए दोस्तों, ये सारे आपको स्टेशन का लिस्ट मिल रहा है दोस्तों। ये सारे स्टेशन है, कितने बजे पहुंचने वाली है या फिर कितने बजे पहुंची, कितने लेट ट्रेन चल रही है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। और सबसे नीचे आपको ये इसका लिस्ट मिल जाएगा कि अभी कहाँ पर है और कितने देर में अगला स्टेशन पहुँचेगी। अगर आप अभी कहाँ पर है ट्रेन ये जानना चाहते हो तो सबसे नीचे आपको ये दोस्तों ये इस प्रकार से आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें और एक फीचर है, अगर आप ट्रेन के अंदर हो, अगर आप सो रहे हो दोस्तों, अगर आप सोना चाहते हो तो चाहते हो कि हम जब भी स्टेशन पहुंचे तो ये हमारा अलार्म हमें उठा दे, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर है। इसमें आप आराम से सो सकते हो, जब भी आप अपना स्टेशन पहुंच जाओगे यहाँ पर आप उठ जाओगे दोस्तों। यहाँ हमें ऊपर में एक अलार्म का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप डबल टैप करते हो, जहाँ आप चाहते हो कि अलार्म हमें उठा दे, जब आप उठना चाहते हो दोस्तों आप यहाँ पर स्टेशन का नाम लिख सकते हो। मगर ध्यान रहे ये सिर्फ ट्रेन के अंदर ही काम करती है। ये मोर ऑप्शन फिर से हमें मिल चुका है। और कितने देर पहले हमें अलार्म चाहिए, जैसे कि मुझे अब मैं पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस यहाँ पर देख रहा था, तो दोस्तों मुझे अगर उतरना है नई दिल्ली में तो नई दिल्ली में पहुँचने से कितने मिनट पहले हमें अलार्म चाहिए यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो इस पर अगर हम डबल टैप करते हैं तो यहाँ पर कितने मिनट पहले या 10, 20, 5 इस प्रकार की लिस्ट आ जाएगी। तो मैं इसे नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर स्टेशन का नाम लिखना है और यहाँ से हमें सेट कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और इस एप्स में और भी एक बहुत ही खास फीचर है कि आपको ये 5 मिनट 10 मिनट के अंतराल में इसकी नोटिफिकेशन मिलते जाएगी कि आप अभी कहाँ पहुँचे हो। अगर आप अलार्म सेट करके रखते हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा दोस्तों अभी आप यहाँ पर पहुँचे हो, क्योंकि ट्रेन में हमें मालूम भी नहीं चलता है कि अभी हम कहाँ पहुँचे, कब कहाँ पहुँचेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी ऐप है दोस्तों। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके और भी फीचर्स हैं, मैं जल्दी से बताता हूँ, मैं पूरे डिटेल में तो आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे फीचर्स अभी बाकी है। तो दोस्तों इसे मैं बैक कर देता हूँ। इस प्रकार से फिर से मैं अपने होम पेज पे आ चुका हूँ, जहाँ की रेल स्थिति, पीएनआर और टिकट तीन ऑप्शन हमें मिले थे। तो अपने पीएनआर अब नहीं देखा है दोस्तों, रेल स्थिति पूरा देख लिया। रेल स्थिति में इतने ही फीचर हमें मिलते हैं, तो आप इसे एक बार चेक कर लेना। तो अगला ऑप्शन हमारा है पीएनआर। दोस्तों पीएनआर इस पर हम डबल टैप करते हैं और इस प्रकार से हमारा पेज ओपन हो चुका है। तो पीएनआर में अगर आप आपके पास टिकट है तो अपने टिकट को पीएनआर नंबर एंटर कर यहाँ पर देख सकते हो कि टिकट कंफर्म हुआ, कितने बजे ट्रेन है, सीट नंबर क्या है, कौन से डेट में है, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना पीएनआर नंबर एंटर करना है। दोस्तों ये पीएनआर से जस्ट नीचे आपको एक एडिट बॉक्स मिलता है, यहाँ पर आपको अपना पीएनआर नंबर टाइप करना है। जैसे कि मेरे पास एक पीएनआर नंबर है, इसे मैं टाइप करके दिखा देता हूँ आपको। six, 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 six,
तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने अपना PNR टाइप कर लिया और यहाँ पर उससे नीचे एक हमें बटन मिलता है PNR स्थिति का पता, इस पर हम डबल टैप करते हैं तो इस प्रकार से हमें हमारा PNR दिखा देगा। लेकिन मेरा ये PNR गलत बता रहा है दोस्तों, शायद मैंने गलत टाइप किया। हाँ दोस्तों ये PNR मैं थोड़ा सा गलत टाइप किया था, मगर उसी से संबंधित अगर कुछ PNR है ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी फीचर है, कितने अच्छे फीचर है। मैंने गलत PNR टाइप किया फिर भी मुझे अपना सही PNR यहाँ पर नीचे मिल चुका है कि आपका PNR इस प्रकार से है। दोस्तों ये तो इस प्रकार से रीड नहीं कर रहा, मगर मेरा सही PNR आ गया और मेरा PNR स्टेटस भी नीचे आ चुका है। तो आपको तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारा PNR आ चुका है और PNR स्टेटस जो है वो भी हमें यहाँ पर मिल गया है। दोस्तों यहाँ पर हमें देखिए 28 तारीख का टिकट किया है दोस्तों, 28 तारीख का यहाँ पर दिखा रहा है कितने बजे ट्रेन है वो भी है दोस्तों, कितने नंबर सीट है वो भी। लेकिन अभी चार्ट तैयार नहीं हुआ है ये भी हमें पता चल रहा है। जैसे भी चार्ट तैयार होता है दोस्तों, जैसे ही चार्ट तैयार हो जाता है तो इसी हमें नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा कि हम चार्ट तैयार हो चुका है। अगर आप PNR यहाँ पर टाइप करके रहोगे तो यहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमने गलत PNR टाइप किया फिर भी हमें हमारा सही जो PNR है वो यहाँ पर मिल गया। तो चलिए दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अगला हमारा एक फीचर है वो मैं बताता हूँ। अब रेल स्थिति PNR इस दो फीचर को आपने देख लिया। अगला जो हमारा फीचर है ये टिकट, अब मैं देखता हूँ इसमें क्या होता है। टिकट ये हमारा तीसरा ऑप्शन है, इसमें हम किसी भी ट्रेन के किराए के विषय में जानना चाहते हैं या फिर सीट उपलब्ध है या नहीं ये जानना चाहते हैं तो यहाँ से जान सकते हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं उसके लिए कौन कौन से ट्रेन है, किस किस दिन है, कितने बजे है, सारा कुछ देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए जैसा कि फिर से मैंने नई दिल्ली लिखा है, टाटा लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगी किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जाना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैं नई दिल्ली से और दूसरा एडिट बॉक्स में टाटा लिखा है, टाटा तक जाना चाहते हैं। और यात्रा की तारीख दोस्तों आप कितने तारीख को जाना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 25 तारीख बाय डिफॉल्ट पहले से ही लिखा रहेगा, मैंने तारीख तो नहीं लिखा और मगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो इसे चेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए दोस्तों ये सारा लिस्ट आ गया, आप कितने तारीख को जाना चाहते हो। आप यहाँ पर जुलाई 1st तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर स्लीपर में चाहिए या फिर थर्ड एसी में चाहिए ये सारा कुछ यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर किस कोटे में जनरल कोटा या फिर किस कोटे में यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे बाय डिफॉल्ट स्लीपर और जनरल कोटा में रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ देखता हूँ अगला ऑप्शन है सीट उपलब्धता खोजे, इसे मैं क्लिक करता हूँ और इस प्रकार से हमारे सामने कितने सारे ट्रेन हैं उस दिन के लिए, 1 जुलाई के लिए और कितने बजे सारा लिस्ट यहाँ पर आ चुका है। देखिए दोस्तों ये इतने कितने बजे है, कौन से ट्रेन है, कितना किराया है, सारा कुछ यहाँ पर आ गया होगा। तो दोस्तों ये हिंदी में रीड कर रहा है टॉकबैक तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। देखिए स्लीपर में 580
किराया और जितने भी दोस्तों किस प्रकार से सारा कुछ यहाँ पर आपको बता दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ से आप इसे रिफ्रेश कर सकते हो। रिफ्रेश करने से दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। अगर यहाँ पर मैं दिखा, देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से, और यहाँ किस किस मार्ग से होकर ये ट्रेन जाएगी ये सारे लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी दोस्तों। अगर मार्ग में आप डबल टैप करते हो तो जितनी जिस जिस मार्ग से ये होकर जाएगी सारा आपको मिल जाएगा नीचे। तो दोस्तों इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं इसे पूरे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप जैसे ही इसे इंस्टॉल करोगे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो उतने डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो समझ में आएगा। शायद मैं इसे ज़्यादा लंबा कर दिया और मैं इसे आपको ठीक से समझा तो पाया दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूरे डिटेल में तो आपको नहीं बता रहा था इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो बस मैंने दो ऑप्शन आपको नहीं बताया, जो ये ओपन का है ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में, और मोर ऑप्शन है जो राइट कॉर्नर में, उसमें आपको सेटिंग्स मिल जाती है और ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है दोस्तों। इसके सारे फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। इसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, आप ट्रेन में रहोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसमें अलार्म भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे फीचर्स है दोस्तों। आप लोग इसे एक बार यूज करके देख लेना। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। शायद इसमें मेरी वॉइस क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिली होगी, मगर कोई बात नहीं, मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों। फिर से अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।